गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इट्स योर स्टडी टाइम। आर यू रेडी? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ्स। ओके चिल्ड्रन, आज मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। और आप लोग मैथ्स बुक में देखिए, आप लोग कल यहाँ ये ड्रॉ किए थे ना। ओके, आज मैं आप लोग को ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक्समस ट्री, ये ड्रॉ करने के लिए बता रही हूँ कैसे इसमें पेंसिल ट्रेस करना है। ठीक है, पहले यहाँ देखिए ट्रेस एंड कलर, यहाँ पेंसिल ट्रेस करके और ये एक्समस ट्री को फिर कलर करना है। ओके चिल्ड्रन, ओके, ये ऊपर आपका स्टार बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप कलर करेंगे और पेंसिल देखिए जहाँ से ट्रेस करना है वहाँ मैं बताती हूँ। देखिए ये इस तरह आप इसको स्टार बना हुआ है, लेकिन इसमें आप पेंसिल इस तरह चलाइए, स्टार बना जाइए। ओके, ये इस तरह बनाए, फिर इसको इधर घुमाए, ये बना हुआ है लेकिन फिर भी इसमें पेंसिल चला करके बताती हूँ क्योंकि इसमें कलर भी करना है ना। ये हो गया आपका, इस तरह इसको स्टार पर पेंसिल चला ले और ये देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये इस तरह इसको स्टार पर एक बार पेंसिल चलाएं, डीप कलर हो गया। इसमें बाद में मैं कलर करूँगी, पहले इसको ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसको जो लाइन बना हुआ है उस लाइन को मिलाते चलेंगे इस तरह। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे आप मिलाते चलेंगे, स्लोली स्लोली ये लाइन को मिलाएं। यहाँ रुके, फिर इसको यहाँ से राइट की तरफ लिए और ये फिर डाउन की तरफ जा रही है पेंसिल, ये इस तरह नीचे की तरफ मिला इसको, यहाँ रुके। ठीक है, और फिर पेंसिल राइट हैंड की तरफ आपका चला, फिर ये डाउन नीचे की तरफ, ये इस तरह इसको लाएंगे, ये इस तरह ये मिलते गया तो देखिए ये आपका बना, फिर इसको राइट साइड ले गए, ये आपका एक्समस ट्री बन रहा है। ओके, देखिए ये हुआ इस तरह, अब ये नीचे की तरफ लाए इसको पेंसिल, ये नीचे की तरफ देखिए मैं पेंसिल लेके जा रही हूँ, यहाँ तक आपको रोकना है। ओके चिल्ड्रन, आप इस तरफ भी ड्रॉ करेंगे, देखिए ये यहाँ से पेंसिल नीचे की तरफ लाएंगे। ओके, ये इस तरह किए यहाँ तक, अब ये देखिए ये आपका लेफ्ट की तरफ आ गया है ना, ये लेफ्ट की तरफ। ओके, फिर ये नीचे डाउन जा रहा है इस तरह यहाँ तक, फिर ये लेफ्ट की तरफ आया। ठीक है, ये आपको तो पेंसिल ट्रेस करना है इसलिए आप समझ जाएंगे कि पेंसिल किधर की तरफ को ले जाना है। ओके, फिर ये आप इसको इस तरह लेफ्ट की तरफ लाएंगे इस तरह। ओके, अब फिर इसको नीचे डाउन किए, ये इस तरह किए।
ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको बनाना है। अब मैं आपको इसमें कलर करके बताऊंगी कि इसको किस तरह कलर करना है। ये बीच में सर्कल बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका सर्कल, ये देख रहे हैं, ये सब सर्कल बना हुआ है। इसको डेकोरेट करना है कलर पेंसिल से। ये कुछ कलर पेंसिल मैं दिखाती हूँ आपको, ये कलर पेंसिल है, ठीक है। अब इससे मैं पहले स्टार कलर करूँगी, तो स्टार को आप पेंसिल से ही कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार को पेंसिल से ही कलर करके बताती हूँ। इस तरह इसको मैं पेंसिल से ही कलर कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास ये पेंसिल कलर है, तो आप इससे स्टार को धीरे धीरे इस तरह कलर कीजिएगा। और ये ध्यान देना है कि कलर करते समय पेंसिल लाइन से बाहर बिल्कुल ना जाए। धीरे धीरे आप करेंगे तो ये बीच में ही रहेगा, लाइन से बाहर नहीं जाएगा। लाइन से अगर बाहर चला गया तो फिर वो ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं होगी और गलत हो जाएगी ना, तो इसलिए आप बिल्कुल बीच में ही इसको करेंगे धीरे धीरे पेंसिल से। देखिए मैं इस तरह कलर पेंसिल से कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह इसको कलर किए स्टार को, आप अपने पसंद से कलर कीजिएगा, आपको जो भी कलर इसमें अच्छा लगता हो। मैं इसको पेंसिल से ही कलर कर दी हूँ, ओके। ये आपका हो गया, ठीक है। अब मैं आपको सर्कल पहले कलर करके बताती हूँ, कोई भी कलर से आप सर्कल कलर करेंगे, ठीक है। देखिए मैं सर्कल कलर कर रही हूँ, ये आप अपने पसंद से कोई भी कलर से सर्कल को कलर करेंगे, ठीक है। ये सर्कल छोटा है तो इसको इस तरह से आप कलर कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया, अब इसको भी आप कलर कीजिए इस तरह। धीरे 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 आप इसमें रंग भरिए। ये आपका एक्समस ट्री है, ये कलर हो गया, देखिए इस तरह सर्कल कलर किए, ठीक है। अब मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ये देखिए येलो कलर है। येलो कलर थोड़ा लाइट है लेकिन मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर, एक्समस ट्री जो होता है उसमें आप देखे होंगे कि बहुत उस ट्री को सजाया जाता है ना, तो उस तरह आप उसमें कोई भी कलर से इसको कलर करेंगे। यहाँ भी मैं येलो से ही कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कलर भी आपका हो गया, पढ़ाई के साथ साथ आप ड्राइंग भी कर लिए इसमें, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से इसको करती हूँ, ये देखिए ये कलर से मैं कर रही हूँ। इस तरह आप सर्कल को धीरे 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 कलर करेंगे। गर्ल्स को तो बहुत मज़ा आता है कलर करने में, बॉयज़ थोड़े से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन कलर तो करना ही है ना। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को कलर करना है। ये देखिए हो गया कलर, कलर करने में अच्छा लगा बच्चों, मज़ा आया, ठीक है। अब मैं एक्समस ट्री को कलर करके बताती हूँ। ग्रीन कलर से ये ट्री को मैं कलर कर रही हूँ, देखिए इस तरह आप कलर करेंगे धीरे धीरे पूरे एक्समस ट्री को। आप, मैं थोड़ा लाइट कलर कर रही हूँ लेकिन आप इसको थोड़ा डीप कलर करेंगे अपने बुक में तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ कलर कर रही हूँ, फिर इसको इस तरह से कलर करना है धीरे धीरे, इस तरह आप एक्समस ट्री को कलर करेंगे।
है, फिर इसको इस तरह से आप कलर करते चलेंगे, तो आपका एक्समस ट्री देखिए कलर भी हो रहा है, और जहाँ सर्कल है उसको फिर ऊपर से नहीं करेंगे, है ना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका वाइट है वहाँ पर आपको करना है, सर्कल पर आप फिर पेंसिल नहीं चलाएंगे, कलर पेंसिल, और इस तरह आप कलर करते चलेंगे। देखिए आपका एक्समस ट्री बना। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कलर भी सीख रहे हैं करना, तो आपकी ड्राइंग भी हो गई। ठीक है बच्चों, ये इस तरह देखिए मैं कलर कर रही हूँ, आप इसी तरह अपने बुक में कलर कीजिएगा। ये पेंसिल थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन मैं कलर करके बता रही हूँ आपको। आप अपना कलर पेंसिल बिल्कुल अच्छे से साफ करके और कलर कीजिएगा। स्केच पेन तो बिल्कुल भी आपको बुक में यूज़ नहीं करना है, कलर पेंसिल ही बेस्ट है ना। स्केच पेन से बुक में करेंगे ना, तो नेक्स्ट पेज में फिर आपको लिखने में बहुत मुश्किल होगा, वो पेज ख़राब हो जाता है। इसलिए बच्चों ये चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको स्केच कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, आप क्रेयॉन्स कलर और पेंसिल कलर यही आप यूज़ करेंगे बुक्स में कलर करने के लिए। ये मैं कलर कर रही हूँ, और कलर करते समय बिल्कुल ये ध्यान देना है कि आपका ये आउटलाइन से बाहर नहीं जाए, अंदर ही आपको इस तरह कलर करना है। मैं इसमें कर रही हूँ और आप अच्छे से कलर करेंगे। ठीक है, आप जब कलर करेंगे तो इसको और भी अच्छे से कलर करते जाएंगे, डीप कलर में हो जाएगा। ये आपका एक्समस ट्री बन रहा है, एक्समस फेस्टिवल सब हम लोग मनाते हैं बच्चों, ये 25 दिसंबर को एक्समस मनाया जाता है ना। तो ये ट्री देखिए बना हुआ है, एक्समस ट्री, इसमें हम लोग को कलर करना है। आप अपने बुक में कलर कर रहे हैं इस तरह, और देखिए ये जब ड्राइंग बनते जा रहा है तो ये एक्समस ट्री और भी देखने में नाइसली लग रहा है ना, क्योंकि ये कलर हो गया पूरा। इस तरह कलर करेंगे, तरह कलर करते चलेंगे, और ये पूरा हो गया। ओके चिल्ड्रन, देख रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से इसको ठीक से देख लीजिए, ये एक्समस ट्री है, इसको इसी तरह लाइन ड्रॉ करके आपको कलर करना है। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको मैथ्स की कॉपी में बताती हूँ कि कैसे मैथ्स की कॉपी में लिखना है आपको। देखिए ये मैथ्स की कॉपी है, ओके, और मैथ्स की कॉपी में आज मैं आप लोगों को वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके बता रही हूँ, आप मैथ्स की कॉपी में कैसे करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन्स एंड कलर इट। तो आप इसमें कलर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट आप इसको ड्रॉ जरूर कीजिए। देखिए अब मैं आप लोग को, देखिए ये मैथ्स की कॉपी है, और मैथ्स की कॉपी में भी वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करना ये बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पर डॉट्स ना हुआ है, ठीक है, और इसको ये लाइन जो है यहाँ तक लाना है, बस इसके नीचे नहीं जाना है। ओके, देखिए यहाँ पेंसिल रखे और उसको ये लाइन में लाके इसको टच कर दिए, तो ये आपका हो गया वर्टिकल लाइन। ये
इस लाइन में लाके इसको टच कर दिए। मैथ्स की कॉपी में भी आपको इसी तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो आप सीख जाएंगे कैसे लाइन कॉपी में करना है। बॉक्स वाली कॉपी में थोड़ी केयरफुली से आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो लाइन से नीचे नहीं जाए, है ना। तो देखिए, मैं ये लाइन में आके यहाँ रुक गई, ये आपका वर्टिकल लाइन ये हुआ। मैथ्स कॉपी में इसी तरह आप लिखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह आप बनाएंगे। ये फिर मैं बताती हूँ, देखिए ये हो गया, यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, ये हो गया आपका। फिर मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। ये सेकेंड टाइम आप लोग को मैं मैथ्स की कॉपी में सिखा रही हूँ, आप बिल्कुल नाइसली इसी तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड। फिर से इसको एक बार देखिए, देखिए ये आपका होमवर्क हो गया। इस तरह आपको मैथ्स की कॉपी में होमवर्क बनाना है। ओके, अब मैं यहाँ आपको ऊपर HW लिख दे रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका HW, ठीक है। और ये मैथ्स बुक है, इसमें भी आपको इसी तरह HW दे रही हूँ, आपको बुक में भी इसी तरह क्रिसमस ट्री ड्रॉ करके कलर करना है। ओके चिल्ड्रन, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।